हाई इन दिस डिस्कस अबाउट नॉब कॉमर्स परफॉर्मेंस गाइड सो देर आर समूल्स और टेक्निक्स वी कैन सेव फ्रॉम वी कैन इम्प्रूव आवर नॉप कॉमर्स परफॉर्मेंस और जैसे की जो भी ई कॉमर्स साइट होती है वो उनकी स्पीड और उन सबका इशू होता है तो उसके लिए हम कुछ कंफिग्रेशन कर सकते हैं एडमिन साइड से जिसके थ्रू था ताकि हमारी वेबसाइट है वो लोड होने में थोड़ी उसकी स्पीड इम्प्रूव हो सो so पहला जो पॉइंट है वो है Localization settings. So go to administration section and go to configuration, then settings or general settings. इस स्टेप के अंदर ही मोस्ट ऑफ सेटिंग्स होती है जिसके थ्रू हम अपनी साइट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं सो फर्स्ट वन इज लाइक लोकलाइजेशन सेटिंग सो पे बाय डिफॉल्ट ये दोनों इनेबल होते हैं तो अगर आप इसके हिंट पे रीड करोगे तो इट विल विल से लाइक व्हेन ऑल लोकल रिसोर्सेज बी लोडेड ऑन एप्लीकेशन स्टार्टअप द एप्लीकेशन स्टार्ट विल बी स्लोअर बट देन ऑल पेज कुड बी ओपन मच फास्टर सो लाइक कैसा होता है कि अगर ये इनेबल होता है तो जब आप, आपकी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम लोड होती है तो सारे पेजेस एक साथ लोड हो जाते हैं जो कि मतलब फर्स्ट टाइम बहुत सारा लोड लेता है तो अगर आप इसको करना चाहते, रखना चाहते हो कि एक बार में सारे हो और जब किसी पर्टिकुलर पेज को रेंडर करे तो इनेबल uh, रख सकते हो सो दिस इज सेटिंग एंड द सेकेंड वन इज लाइक कॉमन सेटिंग अनयूज लैंग्वेज स्टोर करेंसी प्लग इन्स और अनयूज थीम मीन जो भी लैंग्वेजेस आप यूज नहीं कर रहे हो या स्टोर यूज नहीं कर रहे हो कर और थीम्स उन सबको डिलीट कर देना चाहिए मीन्स अगर आपके पास जैसे स्टोर आपने कोई कंफिगर कर रखा है लेकिन वो अनयूज है तो आप उसको डिलीट कर सकते हो जो भी थीम है प्लग है अनवॉन्टेड उनको आप डिलीट कर सकते हो थर्ड वन इज लाइक अननेसेसरी प्लग एज वी ऑलरेडी डिस्कस जो भी अनयूज प्लग इन मीन्स बाई डिफॉल्ट जब आप कोई, uh, हम कोई कॉमर्स की साइट फर्स्ट टाइम हम इंस्टॉल करते हैं तो कुछ डिफॉल्ट प्लग इन होते हैं तो हम उनको अन इंस्टॉल कर सकते हैं एंड लास्ट वन इज लाइक इनेबल बंडलिंग एंड मेनिफिकेशन लाइक ये भी सेटिंग्स पार्ट में ही हमें मिल जाएगा उसके लिए हमें क्या करना है गो टू सेटिंग्स देन टू सेटिंग्स एंड जनरल सेटिंग फ्रॉम हेयर यू विल फाइंड एन ऑप्शन लाइक मिनिफिकेशन तो मिनिफिकेशन के अंदर हमें ये सब इनेबल रखना चाहिए तो so, इससे क्या होगा ये सब जो भी फाइल्स होंगे एस डी एम एल सी एस एस और जाओके इन सबको ये मिनिफाई करेगा जो कि लोड लेने में ये uh, बहुत ही हेल्पफुल होता है लाइक like, हमें ऑलवेज हमें मिनिफिकेशन फॉलो करना चाहिए तो so, इन सबका ये सीएसएस का बंडलिंग कर देगा जो भी सीएसएस हमने यूज की है तो दिस वन वॉज द अनदर वे एंड द नेक्स्ट वन इज लाइक लॉग वार्निंग मेंटेनेंस हमें वीकली या जब भी हम लाइक फ्री टाइम में ये सब हमें चेक करते रहना चाहिए सो so, सिस्टम के अंदर लोग हमेशा हमें क्लियर करना चाहिए क्योंकि नोप no कॉमर्स के अंदर हर एक स्टेप के लिए लॉग जनरेट होता है तो ये डेली uh, मींस अगर आपको नॉर्मल साइट भी है तो भी हंड्रेड मोर देन हंड्रेड ये लॉग जनरेट होता है और अगर आपका लार्ज स्टोर है तो उसमें तो थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड होते हैं जो कि अनवॉन्टेड होते हैं तो उसको आप वीकली क्लियर करें और वार्निंग चेक करें कि कोई भी वार्निंग नहीं है ना अगर कोई वार्निंग है तो उसको सॉल्व करें uh, ये एक बेस्ट वे है जैसे ये मेरे में अभी ये स्टोर का इशू है एंड अगेन लास्ट वन इज लाइक मेंटेनेंस हमें ये भी फॉलो करना चाहिए कि लाइक like, हमारी जो भी फाइल्स है उनको लाइक like, बैकअप हम क्रिएट करके रखें देन जो अनवांटेड शॉपिंग कार्ट के अंदर कोई भी लाइक like, बहुत सारे यूजर कभी कभी कैसे होते तो वो फर्स्ट टाइम विजिट के लिए आते हैं उसके बाद विजिट अपनी साइट को कोई ओपन भी नहीं करता तो वो सब एंट्री हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं ये मैंने कुछ डिटेल ब्लॉग भी बनाया वो भी आप रीड कर सकते हो उसमें मैंने स्क्रीनशॉट शॉट उन सबके साथ में शेयर किया सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट और अगर आप एज अ डेवलपमेंट साइड आपको बिल्ड और उन सब में बहुत टाइम लगता है तो वो भी आप मतलब बिल्ड टाइम पे उन सबको डिसेबल कर सकते हो लाइक like, हम जब अप्लीकेशन बिल्ड करें तो कौन कौन सी लाइब्रेरी बिल्ड होनी चाहिए तो वो भी हम अपने पर्टिकुलर सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज में जाके और लाइक नोब डॉट कोर नोब डॉट सर्विसेज ये सब हमें हर एवरी टाइम बिल्ड नहीं करना होता ये सिर्फ जब हम कुछ चेंज करें तब बिल्ड करना है तो वो आप डिसेबल कर सकते हैं so in such a way we can improve the performance of our site i hope this video will help you out thanks for watching